भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से पितृ पक्ष शुरू होता है जो 15 दिन बाद पड़ने वाली आश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। इस साल पितृ पक्ष 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। पितृ पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है ताकि पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश फल फूले, तरक्की मिले और साथ ही और घर परिवार की उन्नति होती है। श्राद्ध और पिंडदान के लिए हमारे देश में 3 जगहों को उत्तम बताया गया है। कहते हैं इन पवित्र जगहों पर तर्पण पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। हर साल देश विदेश से लोग यहां अपनों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पक्ष में तर्पण पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर कौन सी हैं वो 3 जगहें। गया बिहार। मान्यता है कि बिहार राज्य के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा परिजन की मौत के तुरंत बाद पिंडदान करने के लिए भी गया जाते हैं ताकि मित्र आत्मा मृत लोक में ना भटके और सीधे बेखुंड में जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के लिए गया के लिए जाता है उसका एक एक कदम पूर्वजों को स्वर्गरोहण के लिए सीढ़ी बनाता है। मान्यता है यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजन सीधे स्वर्ग चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद होते हैं, इसीलिए गया को पितृ तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसकी चर्चा विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी की गई है। ब्रह्मा कपाल उत्तराखंड। अलकनंदा नदी के किनारे बसे ब्रह्मा कपाल को श्राद्ध करने के लिए सबसे पवित्र माना गया है। ये जगह बद्रीनाथ के करीब ही है। कहते हैं कि यहाँ पर श्राद्ध कर्म पिंडदान और तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें स्वर्ग मिलता है। पुरानी कथाओं के मुताबिक पांडवों ने भी अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए यही पिंडदान और श्राद्ध किया था। नारायणी शिला हरिद्वार। कहते हैं कि हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि हरिद्वार में भगवान विष्णु और महादेव दोनों ही निवास करते हैं। मान्यता है यहाँ पिंडदान करना सर्वोत्तम होता है।